हेलो दोस्तों, आज हम 1 मिनट में सीखेंगे उड़द की दाल की खिचड़ी बनाना। तो मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। आधा किलो चावल में 100 से 150 ग्राम उड़द की काली वाली दाल मिक्स कर ली है और इनको 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। हमने 100 से 150 ग्राम तेल गरम कर लिया है। उसमें डाल रहे हैं हम जीरा, कटी हुई प्याज। जब जीरा और प्याज ब्राउन हो जाए तब इसमें डाल देंगे हम चावल। फिर हम इसमें चावल का 1.5 गुना पानी डाल देंगे और डाल देंगे नमक। चलाएंगे और इसको ढककर फुल फ्लेम पर पकाएंगे। बीच में एक बार चलाएंगे और स्लो फ्लेम पर फिर से पकाएंगे। अब हम इनको बिल्कुल सिम फ्लेम पर दम होने देंगे। तैयार है हमारा दाल पुलाव। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं।